नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, ग्रहों का खेल कार्यक्रम के मैजिकल न्यूमरोलॉजी। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अगर आपका मूलांक 3 है, कैसे बनता है उसे देखिए। कोई भी साल हो और कोई भी महीना हो, लेकिन तारीख सिर्फ 4 होनी चाहिए। वो 4 कौन सी है? 3, 12, 21 और 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 3 बनेगा। ये 3 नंबर मूलांक एडवेंचर, इसको हमने नाम दिया है। एडवेंचर के बड़े शौकीन होते हैं और 2021 आपके लिए कैसा जाएगा यह भी आपके लिए एडवेंचर की बात है। मूलांक 3 के व्यक्तियों को शोहरत मिलेगी 2021 में या नाकामयाबी, भरेंगे धन के भंडार या फिर रूठी रहेगी माँ लक्ष्मी, रिश्तों में रहेगी तकरार या बढ़ेगा प्यार, कैसी रहेगी आपकी सेहत और कौन सी बीमारियां करेगी आपको परेशान, सबसे बड़ी बात कितनी खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, यही सब कुछ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका मूलांक 3 है तो आपके लिए इस साल में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसके रूलिंग प्लेनेट है बृहस्पति और बृहस्पति पूरे साल गुरु और शनि दोनों साथ में रहेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी यानी दान पूजा पाठ धर्म कर्म से आपको रुचि बढ़ेगी और उसी से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। प्रभावशाली रहेगा ये वर्ष। वर्ष 2021 का कुल योग 5 है जिसके स्वामी बुध ग्रह बनते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बुध और बृहस्पति का रिश्ता सामान्य रहता है। ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, ये साल आपके लिए बड़े अच्छे परिणाम लेकर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ की, जॉब और प्रोफेशन की, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की, सेहत और ट्रेवल प्लान की बात करने के बाद एजुकेशन और सक्सेस के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। प्रिय साथियों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपका मन 2021 में नए स्टार्टअप, नया कुछ करने का है तो उसके लिए शुभ डेट और अशुभ डेट आपको नोट करनी चाहिए। सबसे पहले शुभ दिनांक नोट करिए, 3, 12, 21 और 30 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। प्रिय साथियों, 2021 में वैसे तो पूरे साल ही गुरु शनि आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, लेकिन हर महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। गुरु वैसे तो शुरुआत से जुलाई तक तो वैसे अच्छे, 14 सितंबर 2021 से वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मार गिरेंगे, तो ये शुभ तारीख हैं। लेकिन अशुभ तारीख भी आपको नोट करनी चाहिए। 5 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 तक गुरु अतिचारी होकर कुंभ राशि में रहेंगे, ये टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। 20 जून से 10 अक्टूबर तक गुरु वक्री रहेंगे, इस टाइम में बहुत सारी चीजें पीछे जाती है, नुकसान देती है, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहने से फायदा ही होता है। आइए अब शुरुआत करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ की। ये वर्ष आपको नई योजनाओं के साथ नया स्टार्टअप करने की तरफ जुड़ने का मौका देगा। आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च एक ओवरऑल नॉर्मल है, लेकिन अप्रैल और अगस्त मंथ आपके लिए काफी लकी साबित होंगे। इस टाइम पीरियड में नई जॉब करना, नया बिजनेस करना, बिजनेस में एक्सपांशन करना, परिवर्तन करना, नए ऑफर मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ट्रैवल करने का अवसर मिलेगा। ये साल आपके लिए खर्चे और कई तरह के कर्जे भी बढ़ा सकता है, लेकिन इससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये सब हमारे आने वाले टाइम में फायदे के लिए रहेंगे। जो पैसा आएगा वो पानी की तरह बहता जरूर चला जाएगा। इसके लिए मैनेज करना पैसे को भी और बिजनेस को भी आपके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। सितंबर महीने में जब ये बिजनेस के चलते कर्जा आपको लेना पड़ सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है नया पार्टनर आ जाए, पुराने पार्टनर से कोई झगड़ा हो जाए, हमारे जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे साथी थे जॉब में या बिजनेस में, स्पेशली बिजनेस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैनेजर था, कोई इंपॉर्टेंट ग्राहक था, वो खो सकते हैं इस साल। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जुबान में गलत शब्द आए और आप उन्हें खो दें। वर्ष की शुरुआत में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इस साल 2021 में गुरु और शनि दोनों साथ में रहने की वजह से आयरन, केमिकल्स, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, मशीनरी, इस पर बड़ा लाभ मिलेगा। आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल सकता है शेयर मार्केट में जब आप लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, एजुकेशनल फील्ड, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग लोगों के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा। काम के सिलसिले में शहर से बाहर या देश से बाहर जाने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा 2021। टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों को नया कारोबार और कारोबार में नयापन करने के पूरे मौके मिलेंगे। बस आपको क्या करना है कि अपनी बिजनेस की टीम को बनाना है, मैनेज करना है, फाइनेंस की चाबी अपने पास रखनी, ग्राहकों को रूठने मत दीजिएगा, लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के ट्रांसफर के पूरे योग बन रहे हैं और वैसे भी जनवरी, फरवरी, मार्च तक थोड़ा परिवर्तन आपको जरूर रहेगा, लेकिन जून के बाद आप सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में अपने बॉस से बात कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड लोगों को
एम्प्लॉयमेंट मिलने के पूरे चांसेस। ये साल में 3 बार आपको मौके मिलेंगे, आप चूकिएगा मत। बस अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने इंटेलिजेंस, आईक्यू, ईक्यू लेवल को और बेहतर करिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वर्ष के मध्य में और अंत में रुका हुआ पैसा और किसी तरह की विभागीय कार्रवाई, कोई तकलीफ चल रही थी वो हल हो जाएगी। स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए लोग या फिर वो लोग जो डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं या कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाने का और नए ग्राहक मिलने का, नए क्लाइंट मिलने के पूरे मौके मिलेंगे। अपना परचम आप जरूर लहराएंगे। आपको अपने जॉब में परिवर्तन के लिए बहुत बार मौके मिलेंगे, लेकिन आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपको अज्ञात भय रहता है कब नौकरी छूट जाए, नौकरी में कोई तकलीफ आ जाए। इस भय को निकालिए, कोशिश करिए कि आप अपनी काबिलियत को बेहतर करें और मौका देखते ही अपने बॉस से अपने मन की बात जरूर करें। आप हर मुकाम पर आगे जरूर बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए, मैरिड लाइफ में मधुरता के साथ साथ आपको नए नए चुनौतियां और नए नए अवसर जरूर मिलेंगे। शुरुआत में ही लव पार्टनर के साथ शादी के लिए आगे बढ़ना, साथ में अगर आपका लव रिलेशनशिप में झगड़ा फसाद हो चुका है तो मार्च, अप्रैल और मई ये परफेक्ट समय रहेगा जब आप कुछ एडवेंचर करें, कुछ ऐसा जो दिल चाहता है वो करने का अवसर मिलेगा। ट्रैवल अपने पार्टनर के साथ करने के पूरे अवसर मिलेंगे। आप अपने माँ बाप जी का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से इस साल शादी करने जा रहे हैं। अगर आपकी शादी की उम्र नहीं है, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपने फैमिली का आशीर्वाद से आप वो भी करने वाले हैं। बस अंडरस्टैंडिंग से परिवार में एक अच्छा वातावरण बनाना आपके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। इसके लिए सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, छोटे बड़े एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, वो करेंगे तो मजा आ जाएगा। जुलाई अगस्त में अनमैरिड बच्चों के लिए मन चाह रिश्ता आना और जो मैरिड कपल है उन लोगों को संतान का सुख मिल जाना। जो लोग रिलेशनशिप में, उन्हें अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, अपनी पत्नी या अपने पति को धोखा दे रहे हैं, तो वो उजागर हो जाएगा। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे हमारा दिल हमेशा डरा हुआ रहे। हम ऐसे काम ही नहीं करेंगे तो झंझट होगा ही नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल की। हेल्थ के जरिए देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए मिले जुले फल प्रतिपादित करने वाला है। इस साल आप लापरवाही बहुत करेंगे सेहत में, कभी कभार तो आपका मन करेगा तो आधा हाथ साइकिलिंग करना शुरू कर देंगे, जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, एक ही दिन में बस फिट होना है, पर्सनैलिटी अच्छी करनी, योगा प्राणायाम सब शुरू हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस साल आपको एक तो कंटिन्यूटी पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा परिवर्तन बहुत करना चाहिए सेहत में। कभी साइकिलिंग, कभी जॉगिंग, वॉकिंग, कभी स्क्वाश, बैडमिंटन, टेनिस खेलना, स्विमिंग करना, जो आपको पसंद है परिवर्तन बहुत करिए। स्पेशली आपको इस महीने फिट रहने के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आप फिट रहेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई गलती आपको नहीं करनी चाहिए। लोअर बैक और घुटनों में तकलीफ बहुत परेशान करेगी, अर्थराइटिस आपको तकलीफ दे सकती है। इस साल फैमिली में यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, 5 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे, धार्मिक स्थलों की और मन चाहता है वहां पर जाने के अवसर मिलेंगे। बस परिवार में एकता रहे इसके लिए बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद खाक की, इसलिए अपने घर की बातें घर में रखिए। छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज करके अगर प्यार, इश्क और मोहब्बत बनती है तो वो ज्यादा जरूरी है। आइए बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट की एजुकेशन की। साल की शुरुआत आपकी पढ़ाई लिखाई से बनने वाले करियर के लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी। कंपटीशन जरूर होगा, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इस साल जो लोग पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों को, जो लोग अपनी पढ़ाई के लिए धन जुटाना चाहते हैं, परिवार के पास धन नहीं है, नहीं खर्च कर पाते हैं, तो आपके लिए दोनों ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। अध्यापक यानी टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर आपको पूरा सहयोग नहीं करेंगे, आपको ही अपना सहयोग करना पड़ेगा। जिस संस्थान में प्रवेश लेना, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तकलीफें बहुत आएगी, लेकिन आखिरकार जाते जाते एंड में आपको शुभ समाचार जरूर मिल जाएंगे। किसी निजी कारणों के कारण आपकी पढ़ाई बहुत बार बाधित होगी, हो सकता है ब्रेक लग जाए, कुछ सब्जेक्ट में आप रह जाएं, उसकी गलती आपकी खुद की रहेगी, इसलिए आपको अच्छे परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं कुछ उपाय बताना चाहता हूं प्रिय साथियों, जो 2021 को 3 नंबर वाले मूलांक के लिए 21 बना सकते हैं। सबसे पहला जो गुरु मंत्र है वो है परिवर्तन हमेशा करिए, और हमेशा अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाइए, नए नए प्रयोग करते रहिए। अपनी बैड कंपनी और बैड हैबिट्स को खत्म करिए, नई नई हैबिट्स चालू करिए, अच्छी कंपनी से जुड़ने का प्रयास करिए, मजा आ जाएगा। और साथ में गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः
मंत्र का जाप करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत शुभता रहेगी। और कोशिश करिए कि इस साल आपको पन्ना और नीलम धारण करना चाहिए, हो सके तो आपको गले में अमोघ महामृत्युंजय कवच और साथ में सुमेरु परश कूर्माकार यंत्र और 3 मुखी 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको एडवेंचर भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, रोमांच बढ़ेगा, फैशन हॉबीज से आप 2021 बना देंगे। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।